नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सुमन प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हम चैप्टर सेवन कर रहे थे क्लास इलेवन की एनसीआरटी हिस्ट्री का चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस इसका नाम है और हम पार्ट फोर पर पहुंच चुके हैं खत्म होने वाला चैप्टर रैनसा के बारे हम में हम पढ़ रहे थे ये सारे पीपीटी नोट्स हम पहली थर्ड पार्ट में देख चुके हैं आप पहले थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा आपको रेनेसा के बारे में समझना है तो इंग्लिश में पीपीटी नोट्स बनाती हिंदी में सारे हैं और लास्ट पार्ट में आपको पीडीएफ डाउनलोड लिंक मिल जाएगा जो लोग ये लिंक से पीडीएफ डाउनलोड को लिंक करना डाउनलोड uh, करना चाहते हैं तो आपको लोगों को मिल जाएगा लास्ट पार्ट में अब हम पहुँचते हैं फोर्थ पार्ट में एस्पिरेशन ऑफ वुमेन कंडीशन ऑफ वुमेन अब ये रहना जो था जैसे मैंने एक में बीच में बताया ना सारी सारी जो पढ़ाई थी वो बॉयज के लिए थी तो सब कुछ चेंज हो रहा है अच्छी चीजें हो रही है लेकिन वो सारे के सारे फेवर किस में है आदमी के द न्यू आइडियाज लाइक इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप रिगार्डिंग ह्यूमन बींग्स एक्सक्लूडेड सारा का सारा इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी यानी कि खुद को आप विकसित करो अपनी स्किल्स को डेवलप करो ये सारी की सारी सिटीजनशिप जो है पौल, मतलब पॉलिटिकली भी जो राइट्स हैं सारे के सारे वो आदमी के लिए थे औरतों को वो भूल ही गए थे मैन फ्रॉम एरेस्टोक्रेटिक फैमिलीज लेड द पब्लिक लाइफ एंड द ऑफ मेकर फैमिलीज जो आदमी थे नोबल फैमिलीज के या फिर रूलिंग फैमिलीज के एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के वो पब्लिक लाइफ को लेड करते थे कि आ, पब्लिक लाइफ में जो उनको अपने फैमिली अगर को अगर की तरफ से कुछ करना है तो वो सारे आदमी करते थे और डिसीजन भी सारे वही लेते थे फैमिलीज में द सन्स वर प्रोवाइडेड विद एजुकेशन सिर्फ अपने बेटों को ही एजुकेशन देते थे क्योंकि उनको फैमिली बिजनेस और पब्लिक लाइफ आगे बढ़ानी है अपनी वुमेन हैड नो से इन बिजनेस मैटर्स डॉरीज जो वुमेन लेकर आती थी वो फैमिली के बिजनेस में इन्वेस्ट कर कर देते थे बिना उसकी राय लिए पूछे उससे मैरिजिजर मींस टू सपोर्ट बिजनेस अलाइंसिस मतलब मैरिजिज जो थे वो इसके लिए थे कि फैमिली बिजनेस मतलब ट्रेड और बिजनेस सब शुरू हो गया था तो लड़की वो ऐसे ही ढूंढते थे जहाँ से फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनको अच्छी डावरी मिल सके और जो गर्ल्स के पेरेंट्स उनकी डावरी अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते थे ज्यादा अच्छी नहीं कर पाते थे ऐसी उनको फैमिली नहीं मिलती थी कि जितनी डावरी उनके पास है उतने में कोई उनकी बेटी को एक्सेप्ट करे तो वो बाद में उनको एक टाइम पीतने के बाद उनको कॉन्वेंट भेज देते थे अब तुम सन्यासी का जीवन बताओ नन बन जाओ क्योंकि हम तुमको पूरी जिंदगी बिठा के नहीं रख सकते जैसा बोलते हैं ना ऐसा द वुमेन वर लुक्ड अपॉन एस कैप

घर की औरतें थी उनकी थोड़ी सी चेंज था और वो चेंज इसके लिए था उनकी लाइफ का क्योंकि ये लोग तो घर पे हमेशा रहते नहीं है तो घर का उधर उस टाइम पे जो उसका बिजनेस है वो अगर बाहर गए हुए हैं बिजनेस के सिलसिले में ट्रेड के सिलसिले में तो उस वक्त उनकी पब्लिक लाइफ को और उनकी वहाँ पर जो उस वक्त उनकी दुकान या जो बिजनेस चल रहा है उसको कौन मैनेज करेगा सिंगल फैमिलीज तो होती थी तो उसके लिए उनको औरत की वहां पर जरूरत थी तो इसके लिए मर्चेंट्स की जो विमेन थी उनकी वाइफ्स थी उनकी लाइफ अलग इसके लिए थी कि जब उनके हस्बैंड चले जाते थे तो उस टाइम पे या बैंकर्स मर्चेंट्स होते थे वो पीछे से फिर बाद में उनकी औरतें उसके बिजनेस को वहां पर संभालती थी द अर्ली डेथ ऑफ अ मर्चेंट फॉर्स विडो टू प्ले बिगर पब्लिक रोल मर्चेंट जो है अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उनकी वाइफ को फिर बाद में सब कुछ अकेले संभालना पड़ता था इसके लिए भी ताकि वो सब कुछ सीख जाए वो सेवरल वुमेन फॉर इंटेलेक्चुअल ह्यूमनिस इनमें से ही कुछ इंटेलेक्चुअल ह्यूमनिस के तरीके से उभर कर आई उनमें से एक पनेशिन कैसे वॉज वन ऑफ शी वॉज नोन फॉर इोफिशिय प्रोफिशियंसी इन ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस एंड वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर लेक्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पदवा वहाँ पर इनको बुलाया गया था हर वर्क फोकस द जनरल रिगार्ड फॉर एजुकेशन मतलब औरतों को भी सारे हक मिलने चाहिए खासकर एजुकेशन का फेडेला एक जो कहती थी कि, कि क्रिटिसाइज करती थी कि ये कैसे रिपब्लिक है जो आपने लिबर्टी को सिर्फ लिमिटेड कर दिया है आदमियों तक ही तो कैसा आप लोगों का ये स्टेट है अनदर आउटस्टैंडिंग वुमेन वर्स द इजबेला दे एस्टे उन्होंने अपने हस्बैंड की एब्सेंस में स्टेट को रूल किया था कोर्ट ऑफ दैट स्मॉल स्टेट गॉट फेम फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल विविटनेस और उस छोटे से स्टेट का जो कोर्ट था वो इस इनकी इंटेलेक्चुअल uh, की वजह से फेमस हुआ था बहुत ज्यादा द राइटिंग्स ऑफ वुमेन ऑफ दैट पीरियड रिविल देयर कॉन्फिडेंस दैट दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन टू गेट इंडिविजुअलिटी इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मैन अब ये जो इंटेलेक्चुअल्स थी ये लिखती तो थी जबकि उनके पढ़े होने का या लिखे होने का बहुत ही कम लोग उनका सम्मान करते थे उसको बढ़ावा देते थे वो कहते थे कि औरतों को भी सारी राइट्स होनी चाहिए इकोनॉमिक पावर प्रॉपर्टी और एजुकेशन के बराबर आदमियों के बराबर ठीक है तो आम, बल्थेसर एक ऑथर हैं वो अपनी बुक द कौट में लिखती हैं कि वुमेन और जो आदमी है वो दोनों आदमी आद्म, और औरत है वो दोनों अलग अलग है तो औरत को कभी भी आदमी की तरह बनना नहीं बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि आदमी और औरत दोनों फीमेल और मेल उनकी अपनी अपनी काम होते हैं और उनको उनके अंदर अपने गुण हैं वो उनको हमेशा अपने पास रखने चाहिए जैसे जो औरतें हैं उनके अंदर एक स्वीटनेस फैमिन फैमिन इन स्वीटनेस है डेलिकेट टेंडरनेस है उनका सॉफ्ट नेचर है वो हमेशा उनको रखना चाहिए और आदमियों को भी सेम ऐसे स्टडी माइंडलीनेस अपनी दिखाते रहना चाहिए दोनों का नेचर अलग है लेकिन फिर भी इसका मतलब वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे कि उनके काम भी अलग है औरत जो कर सकती वो आदमी नहीं कर सकता या आदमी जो कर सकता औरत नहीं कर सकती ऐसा नहीं था मतलब आपका जो बेसिक स्वभाव है उसको आप रखो और साथ ही लेकिन जो मैनी वर्च्यूज ऑफ द माइंड आर नेसेसरी टू अन एज अ मैन लेकिन फिर भी जो कुछ आ, दिमाग के वर्च्यूज है माइंड वर्च्यूज है वो आदमी औरत और के लिए बराबर है मतलब एज एज टू बी ए गुड फैमिली टू affection uh, to show affection to 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 show be be naturally graceful to be well mannered clever and prudent neither proud, envious or evil tongue nor vain मतलब अगर यानी कि संस्कार जो हैं वो आदमी और और औरत दोनों को बराबर रखने चाहिए और सेम ऐसे ही स्पोर्ट्स वगैरह हैं ग्रेसफुल द स्पोर्ट सूटेबल फॉर वूमेन जो आदमी और और औरत के काम हैं उनको उन्होंने डिवाइड नहीं किया था कि आदमी का ये काम है औरत का ये काम है Christianity. Christianity mein हुए, uh, जो क्राइस्ट थे वो पार्ट में डिवाइड कैसे हुए थे इन द फिफ्टींथ एंड सेंचुरी नॉर्थ यूरोपियन यूनिवर्सिटीड बाई ह्यूमनिस्ट आइडियाज पंद्रहवीं और सोलवी शताब्दी में यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज थी वो भी ह्यूमेस आइडिया से अट्रैक्ट हुई क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी वहां तक भी आइडियाज पहुंचे लाइक इटालियन स्कॉलर्स दे ऑल्सो पेड अटेंशन टू क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट इटालियन स्कॉलर्स की तरह उन लोगों ने भी क्लासिकल ग्रीक और रोमेंटिक्स को ग्राफ किया उनकी तरफ अटेंशन दिया उनको पढ़ना शुरू किया और द प्रोफेशनलो इन्फिल्स द मेम्बर्स ऑफ द चर्च और इनमें से कुछ चर्च uh, के जो मेम्बर्स थे उन तक भी ये चीज़ पहुंचे और उनको भी इन्फ्लुंस हुआ उनको भी उनके भी विचार बदले दिसकॉडेड द मीनिंग जो फालतू के रिचुअल्स uh, हैं जो चर्च में ने या फिर उन लोगों ने फेमस किए हुए हैं फालतू के उनको उन्होंने बोला कि इनकी कोई जरूरत नहीं है फालतू के ये इन्होंने अपने लाभ के लिए बनाए हुए हैं जबकि क्रिश्चियंस टू फॉलो द रिलीजन मेंशन इन एंशियन टेक्स ऑफ द रिलीजन जो क्रिश्चियंस को है अपने एंशियंट टेक्स हैं ठीक है उनको फॉलो करना चाहिए वो ही बिल्कुल सही है द क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोरे और रेसमस इन्होंने कहा कि जो चर्च है वो ग्रीड और एक्सट्रोशन का सेंटर बन गया है मतलब लालच और लूट खसोट का सेंटर बन गया है और मनी लोगों से पैसा कॉमन लोगों से बहुत जबरदस्ती टैक्स के नाम पे लेते हैं और दूसरा एक और नाम पे पैसा वसूल करते हैं इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट के नाम पर कि हम आपको प, हम आप हमें पैसे दीजिए हम आपको ये डॉक्यूमेंट सेल करेंगे और उसके बाद आपने जितने भी पास में पाप किए हैं उनसे आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे The printed Bible in local language is disclosed. अब local language में भी Bible उसके बाद print होने लगी तो लोगों तक ये उनको सही पता चला कि हमारा रिलीजन किन किन प्रैक्टिसेस को अलाउ करता है क्या, -क्या चीज़ और और उसके बाद पीजें थे, थे और प्रिंस थे उन्होंने टैक्स के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया चर्च के अगेंस्ट विद्रोह किया और प्रिंसेज ने इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस इन वर्क ऑफ द स्टेट कि चर्च का काम स्टेट के काम में

कॉन्स्टेंटीन एक एम्पायर थे क्रिश्चियन रोमन सबसे पहले एम्पायर थे मतलब रोमन एम्पायर के बहुत पहले शुरुआत जो सबसे पहले थे उन्होंने एक डोनेशन दिया था क्लर्जीमैंस को उसके थ्रू ये आया है कि भाई अब तो ये प्रथा बन जानी चाहिए इन 1517 मार्टिन लूथर जर्मन मॉन्क ये बहुत ही फेमस जिन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की थी मार्टिन लूथर जर्मन मॉन्क थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में ही सेड दैट द पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू सेट अप कांटेक्ट विद गॉड इंसान को किसी भी इंसान को एक पुजारी की जरूरत नहीं है ईश्वर तक पहुंचने के लिए वो खुद भी ये सब कर सकता है उसके अंदर पावर है इंडिविजुअल इतना अः uh, कैपेबल है दे लेट टू द ब्रेकअप ऑफ जर्मन एंड स्विस चर्चेस विद एंड कैथोलिक चर्च फिर जो जर्मन के और स्विस चर्चेस थे उनका कनेक्शन पोप और कैथोलिक चर्चेस के साथ uh, टूट गया इन स्विट्जरलैंड अलरिच जिंगली एंड जीन कैलवेन फॉलो मार्टिन लूथर आइडियाज और ये स्विट्जरलैंड में भी हुआ इन लोगों ने मार्टिन लूथर के आइडियाज को फॉलो किया दीज रिफॉर्मर्स हैड ग्रेटर पॉपुलर सपोर्ट इन टाउंस अब शहर में तो इन लोगों को इन, लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू किया लेकिन गाँव में अभी भी वो चीजें इतनी आइडियाज पहुंचे नहीं थी तो पॉप का और चर्च का वहाँ पर इन्फ्लुएंस ज्यादा था अभी भी था एनाबाप्टिस्ट भी एक तरीके से उभर कर आए जर्मन रिफॉर्मर्स जो और भी ज्यादा रेडिकल थे इन चीज़ों में मतलब कट्टर थे ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ सेल्वेशन के आइडिया सेल्वेशन के आइडिया को इन्होंने ब्लेंड किया कि काइंड्स ऑफ सोशल ऑपरेशन ये सारे सोशल ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे आप को सेल्वेशन ही सेल्वेशन है मुक्ति मुक्ति है द आर्ग्यूड दैट गॉड है उन्होंने कहा कि भगवान ने सभी uh, इंसानों को इक्वल ही बनाया अब यहाँ पर वैसे मैन लिखा है इसमें वुमेन नहीं है इस मैन का मतलब मैन नहीं है दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स उनको टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं करना चाहिए क्लर्जीज को और उन्हें अपने खुद के पृष्ठ जिन पर उनको विश्वास है चूज करने का अधिकार है दिस आइडियाज इन्फ्लुएंस द फ्यूडल ऑप्रेस्ड पीजेंट्री एंड द रिवोल्टेड और पीजेंट्री इस आइडिया से उप, हुई, इंप्रेस और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया उनके कि हम चर्च को क्यों टैक्स दे मार्टिन लूथर अपोज रेडिकलिज्म अब मार्टिन लूथर ने ये बिल्कुल कट्टरतावाद को अपोज किया ले और उन्होंने जर्मन रूलर्स को बोला कि आप इन रेबिल्स को ये जो बहुत खून खराबी के तरीके से हो ना इनको आप सप्रेस कर दीजिए 1525 में ऐसा हो लेकिन फिर भी रेडिकलिज्म कर गया और उसने प्रोटेस्टेंट जो फ्रांस में चल चल रहा था प्रोटेस्टेंट मूवमेंट उसके साथ मर्ज हो गया Eventually the Catholic Church allowed Protestants to worship as they choose. और फिर finally क्या हुआ Catholic Church ने बोला कि ठीक है अब तुम ये सब खत्म करो और Protestants को allow कर दिया कि तुम अपने तरीके से अपना worship कर सकते हो अपने तरीके से पूजा कर सकते हो और फिर Protestant Church जो थे ये अलग से establish हो गए इंग्लैंड में क्या हुआ इंग्लैंड ने रू इंग्लैंड में रूलर्स ने पॉप के साथ अपने सारे कनेक्शन खत्म कर दिए पहले पॉप क्या था सभी जितने भी क्रिश्चियन स्टेट्स थे और एम्पायरस थे पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड था उनका हेड था पॉप आपने जैसे हमने फ्यूडलिज्म पिछले वाले चैप्टर में देखा इंग्लैंड में उन्होंने खत्म कर दिया कि हम पॉप हमको अब गाइड नहीं करेगा हमारे रिलीजियस थिंग्स में अब किंग और क्वीन ही चर्च के हेड होंगे वही बताएंगे कि क्या क्या होना है स्टेट में स्पेन में क्या हुआ इग्नेशियस लोयला थे ये जो हैं इग्नेशियस लोयला इन्होंने सोसाइटी ऑफ जिसस ऑर्गेनाइज की एक और उस 1540 में और इनके फॉलोअर्स को जिसस कहा गया उनका एम क्या था टू सर्व पुअर एंड टू वाइडन देयर नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स विलियम टेंडेल एन इंग्लिश लुथर लूथरन हु ट्रांसलेटेड बाइबल इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया और प्रोटेस्टेंटिज्म को डिफेंड किया मतलब सही बताया इन्होंने जो मेन पार्ट जो किया था ट्रांसलेट ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टमेंट ये इनका बाकी इनको छोड़ते हैं न्यू टेस्टमेंट वो पार्ट है बाइबल का वो सेक्शन है जो डील करता है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट एंड हर हिज अर्ली फ फॉलोवर्स तो इसको इन्होंने इंग्लिश uh, में ट्रांसलेट कर दिया तो लोगों तक ये पार्ट पहुंचा कि क्राइस्ट की जो टीचिंग्स क्या है उनकी लाइफ क्या था और उनके अर्ली फॉलोअर्स थे वो क्या कहते थे, थे तो जो रियल टीचिंग्स है क्राइस्ट की क्या होना चाहिए वो लोगों तक पहुंचा ठीक है इन्हीं के थ्रू

Godus, prepares cylindrical map of the Earth. Gregorian ियन कैलेंडर इंट्रोड्यूसोरियन कैलेंडर नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ था पॉप ग्रिगोरियन ने किया था इसलिए इसका नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर था Eleventh पॉप थे uh, तो सॉरी thirteenth पॉप थे William Harvey links the heart with blood circulation. Blood का उन्होंने विलियम हार्वे ने बनाया था कि कैसे हर्ट uh, वर्क करता है सबसे पहले Academy of ऑफ set सेटअप इन Paris. जाक मुझे ये पता है कभी कभी डाउट होता है कि सच में इन लोगों ने किया था कि ये इंफॉर्मेशन भी इनको एशियन कंट्रीज से मिली थी <laughs> जाक न्यूटन्स प्रिंसिपिया मैथमेटिक का पॉपुलिस्ट द डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी द कॉपरिकन रेवोल्यूशन अब नया रेवल्यूशन जो हुआ था कॉपरिकन रेवल्यूशन वो क्या था

पाप के कारण ही अर्थ पे इतना ज्यादा बर्डन हो गया कि वो एक जगह पे स्टेशनरी हो गई है और वो बाकी पूरा यूनिवर्स ये सेलेस्ट्रल प्लैनेट्स से हैं वो इसके अर्थ के चक्कर में तरफ ही चक्कर लगाते दिखाई देते हैं उनको दिख रहा है तो वही उन्होंने बोल दिया कॉपरनिकस डेवलप्ड अ थ्योरी दैट अर्थ टुगेदर विद अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन उन्होंने सच्चाई बताई कॉपरनिकस ने ही हैंडेड ओवर हिज अब उनको ना ये डर था कि धमकी थी उनको ये डर था कि अगर ये चीज मैंने बाहर बताई तो जो चर्च है वो मुझे मार डालेगा He handed over his manuscript, the Revolutionary the Rotation, to his disciple uh, Joachim before his death. अपनी कॉपी उन्होंने उनको दे दी कि कभी हो सकता है समय बदले और समाज उस चीज इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए और ये समाज चर्च के हाथों से बाहर निकले तब इसे लोगों तक पहुंचाना थ्योरी जॉन्स जोनि ने इस थ्योरी को पॉपुलराइज किया और बताया कि अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम बहुत बवाल हुआ था ये एक बहुत अलग टॉपिक है ठीक है इन इस कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री डेमोस्ट्रेटेड प्लेनेट्स रिवोल्ड अराउंड बट एन इक्लिप्सिस एक सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि एक्लेप्टल पाथ में वो सन के तरफ चारों चार तरफ चक्कर लगाते हैं फिर नेक्स्ट आते हैं गैलीलियो गैलीली इनके हाथ में देखिए ये इन्होंने डिस्कवर किया था द तो मोशन इन्होंने इनकी थ्योरी है बुक है और फिर आते हैं जक न्यूटन ग्रेविटेशन की थ्योरी इनके सर पे एप्पल गिर गया कहीं से आके तो इन्होंने ग्रेविटेशन की थ्योरी निकाल दी बल्कि ये पता है, ये थ्योरीज ही सारे के सारे हिंदुइजम में पहले से है द वर्क ऑफ दीज थिंकर वर्क थे बहुत ही जल्दी लोगों तक पहुंच गए और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के फॉर्म में डेवलप हो गए हिस्टोरियंस न्यू अप्रोच टू द नॉलेज ऑफ मैन एंड नेचर एज द साइंटिफिक रेवोल्यूशन हिस्टोरियंस ने इस आ, ये जो पूरा टाइम पीरियड था इसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन काम दिया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन द माइंड ऑफ स्कैटिक्स एंड नॉन बिलीवर्स नेचर रिप्लेस गोड एज अ सोर्स ऑफ क्रिएशन अब इसका अर्थ इनका एक और चेंज प्रभाव क्या पड़ा है? इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन का कि लोगों ने जो नॉन बिलीवर्स थे गॉड के कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है कि भगवान है भी या नहीं चर्च जो बोलता वो तो सारा झूठी है तो ये भी झूठी होगा वगैरह वगैरह वैसे भी डराते थे लोगों को ठीक है तो उन्होंने नया कंसेप्ट निकाला कि गॉड की जगह पर उन्होंने नेचर को रखा कि क्रिएशन का सोर्स क्या है गॉड ने नहीं बनाया ये सब ये सब नेचर नहीं बनाया और ये सब नेचुरल ही चीजें हैं कि को, कोई चीज आती है और खत्म हो जाती है और चलती रहती है साइकिल नेचर की साइकिल है ये ये गॉड की साइकिल नहीं है ऐसा उन लोगों ने थ्योरी डेवलप की द बिलीवर्स ऑफ गॉड सैड जबकि जो भगवान में बिलीव करते थे उन्होंने कहा कि गॉड डिड नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द एक्ट ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड वो खुद अपनी उंगली से एक एक चीज नहीं करता है बल्कि उसने उन्होंने गॉड ने ऐसा सिस्टम ही डेवलप किया हुआ है कि ये सब कुछ अपने आप चलता ही चला जाता है ऐसा गॉड के बिलीवर्स ने कहा

सोसाइटीज डेवलप जैसे कि 1662 1670 और पर बहुत लेक्चर्स रखे जाते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे पब्लिक के लिए कंसेप्ट ऑफ फ्रेनेसा पर पहुंचते हैं मॉडर्न राइटर्स लाइक पीटर बोके ऑफ इंग्लैंड सजेस्टेड दैट वर्क आट द शार्प डिस्टिंगशन अब मॉडर्न जो राइटर है पीटर बोके इंग्लैंड के ये कहते हैं कि वर्कार ने जब ने कुछ ज्यादा ही ये जो अगर डिवाइड कर दिया था नहीं बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया था रीबर्थ ऑफ ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन है ये जो टाइम है ये ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन का ही रीबर्थ है ठीक है टर्मिंग टर्मिनिंग द रेनेसाइज अ पीरियड ऑफ इमेजिनेटिव क्रिएटिव क्रिएटिविटी एंड मिडल एज इज अज अ पीरियड ऑफ डार्कनेस ये सब फिर डिबेट्स uh, और ऐसे जनरलाइजेशन का टॉपिक बन गया था कि रेनेसा का जो पीरियड है वो क्रिएटिविटी और इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी का पीरियड है और मिडल एजेस डार्कनेस का है ठीक है एलिमेंट्स ऑफ रेनेसा वर ऑलरेडी सीन फ्रॉम ट्वेल्थ एंड थर्टीन सेंचुरीज तो बारहवीं और तेरहवीं सदी से ही रेनेसा के एलिमेंट्स दिखने शुरू हो गए थे नाइन्थ सेंचुरी में जैसे फ्रांस में लिटरेरी और आर्टिस्ट आर्टिस्टिक इफेक्ट्स फ्लॉरिश हुए थे जैसे मैंने देखा था ना कि फिफ्थ uh, से नाइन्थ तक डार्क एज या नाइन्थ से फिर फ्रांस में और इटली में ये एफर्ट्स शुरू हो गए थे ठीक है आर्क्योलॉजिकल एंड लिटरेरी फाइंडिंग्स ऑफ रोमन कल्चर शोज दैट द टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स इन एशिया कल्चरल चेंजेस ऑफ यूरोप आर्कियलॉजिकल और जो फाइंडिंग्स है लिटरेरी फाइंडिंग्स है रोमन कल्चर की और टेक्नोलॉजीज की वो बताते हैं उनसे ये पता चलता है कि एशिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था यूरोप में इस कल्चरल चेंज को लाने के लिए एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम एंड मंगल इन्वेज और मंगोल्स की थ्रू ही उन लोगों को सारा एशियन कंट्रीब्यूशन जो था उन लोगों को पता चल रहा था एशिया से वो लिंक हो गए थे नॉर्थ अफ्रीका से हुए थे और यूरोप में जो ट्रेड फैला था उस वो लर्निंग स्किल्स को भी और ज़्यादा फैला दिया था इन चीज़ों ने पॉलिटिकल कनेक्शंस बन गए थे बाकी वर्ल्ड के साथ इनके यूरोप अलॉन्ग विद रोमन्स एंड ग्रीक्स गॉट नॉलेज फ्रॉम इंडिया यूरोप को रोमन और ग्रीक के साथ साथ इंडिया से चाइना से ईरान अरेबिया और सेंट्रल एशिया से ही नॉलेज बहुत सारा मिला था द एशियन कंट्रीब्यूशंस वर सुन फॉरवर्टन और ये इसके लिए भी मुझे आ, मैं बोलती हूँ कि एशिया का जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा था जितना इन लोगों ने दिखाया नहीं वो सब यूरोप सेंटर्ड उन्होंने किया कि ये सब हमने खुद ही किया है एशियन कंट्रीब्यूशन को उन्होंने भुला दिया और अपना यूरोप को ही उस चीज़ का सेंटर पॉइंट बना दिया यूरोपियन स्पेसिफी बहुत चालाक होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट चेंज दैट डिड हैपन इन दिस पीरियड वॉज द ग्रेजुअल सेपरेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ अ पर्सन और एक इंपॉर्टेंट चेंज था कि इंसान की अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों दोनों अलग अलग होती चली गई थी एटीन सेंचुरी में को पॉलिटिकल सेंस से देख देखिए तो ऑल मैन हैड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स ऑल मैन हैड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स यूरोप विच वॉज यूनाइटेड अर्लियर गॉड डिजॉल स्टेट्स ईच यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज और वो यूरोप जो रोमन एम्पायर में यूनाइटेड था वो बाद में यूरोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद छोटे छोटे उसमें तो डिवाइड हुआ ही था और उसके बाद वो वापस यूनिफाई होना शुरू हो गया था कॉमन लैंग्वेज के बेस पे सारे के सारे स्टेट्स ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं ये हमारा पूरा पूरा का चैप्टर चैप्टर ये ये क्या हो गया हमारा खत्म होता है फिर अब मैं आपसे जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस चैप्टर के एंडिंग में इस लास्ट पार्ट में मैं आपको पीडीएफ अवे, अवेलेबल करा दूंगी सॉरी थोड़ी आवाज आ रही पीछे से अब तो खत्म ही हो गया ठीक है तो पीडीएफ uh, आपको जिनको चाहिए वो इस पार्ट में अवेलेबल हो जाएगा लास्ट पार्ट में आज के लिए इतना ही अब ये चैप्टर खत्म हो गया है नेक्स्ट अब हम एट चैप्टर शुरू करेंगे उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है अभी फिलहाल मुझे समय कम मिलता है रियली वेरी सॉरी मेरी पढ़ाई uh, भी खुद की भी चलती है और छोटा बच्चा होने के कारण भी मुझे थोड़ा कम समय मिलता है तो कुछ लोग की कमेंट्स आए थे कि आप कब नई वीडियो डालेंगे उसके लिए मैं बहुत बहुत सोरी कहती हूँ अभी मुझे जितना टाइम होता है मैं उस हिसाब से अपने फिलहाल वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो इनमें अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे प्लीज़ वो भी जरूर बताइए मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी से इलेवेंथ चैप्टर को खत्म इलेवेंथ क्लास को ख़त्म करने के लिए नोट्स को एटलीस्ट इलेवेंथ एक बार खत्म हो जाए तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को कमेंट कीजिए आप अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मुझे और अगर इम्प्रूव करना है अपना चीज़ों को तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बाय बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में